नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 6 में टीवी हो। टीवी जो आज के जमाने की टीवी है फ्लैट बिल्कुल, उस टीवी के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें, कि कार्टून देखना सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो बेटा उसके आगे है मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। मतलब टीवी खुद उससे कह रही है कि सिर्फ कार्टून ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे रोचक कार्यक्रम भी मेरे पास है, मनोरंजक चीजें भी है मेरे पास, ज्ञानवर्धक जानकारी भी है, सदाबहार गीत भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम सिर्फ कार्टून ही क्यों देखें। जब कभी भी उदास हो बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। अद्भुत संसार मतलब इस अद्भुत दुनिया में खो जाओ, टीवी का बटन दबाओ, कोई भी चैनल चलाओ और एंजॉय करो। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध कराता हूँ। मेरे द्वारा जब तुम्हारे कठिन पाठों को दृश्यों के माध्यम से तुम्हें पढ़ाया जाता है तब तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह याद रख पाते हो, है ना। अगर हम कोई चीज को रटेंगे पढ़ेंगे तो हमें उतने अच्छे से वो चीज याद नहीं होगी जितना कि हम टीवी देख के, हम कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी हम गीत देखते हैं, है ना, कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, नाटक देखते हैं, कार्टून देखते हैं, टीवी के माध्यम से हम जो भी चीज देखते हैं वो हमें बहुत जल्दी याद होती है। तो ये टीवी उससे कह रही है कि तुम जब मुझे देखोगे, मेरे अंदर इस तरीके की कोई जानकारी प्राप्त करोगे तो तुम जल्दी उसे सीख जाओगे। आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। सही है, हर घर में टीवी होती, कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ टीवी नहीं होती। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। लोकप्रिय मतलब लोगों को पसंद आने वाला, है ना, और सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला। टीवी कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी जाओ हमें टीवी मिल जाएगा, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ टीवी नहीं मिलती। विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादों की जानकारी भी देता हूँ। विज्ञापन मतलब किसी वस्तु की विशेषता बताना, जो एडवर्टाइज वगैरह हम देखते हैं टीवी में, जब कोई कार्यक्रम आता है बीच बीच में आते हैं ना विज्ञापन, तो उसके द्वारा मैं तुम्हें दूसरी चीजों की भी जानकारी देता हूँ। मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ पर जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूँ। बिल्कुल सही है बेटा, है ना, मुसीबत तो बन ही जाते हैं। तुम्हारे माता पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूँ। सही है, जब बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो मम्मी पापा उन्हें डांटते ही है। आप लोगों को भी डांट पड़ती होगी जब आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो। मुझे ज्यादा देखने पर वे तुम्हें डांटते हैं, वे अपनी जगह बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है बेटा, अगर आप ज्यादा टीवी देखोगे तो आपको डांट तो पड़ेगी पड़ेगी, पेरेंट्स आपको डांटेंगे, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े, मतलब टीवी खुद ही है उससे कह रही है। तुम्हें पता है जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो तो मैं भी बहुत थक जाता हूँ। सही है बेटा, पूरा दिन अगर कंटिन्यू टीवी चलेगी तो टीवी भी थक जाएगी। जिस तरह हमें रेस्ट की जरूरत है, टीवी को भी रेस्ट की जरूरत है, मुझे भी आराम की जरूरत पड़ती है। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आंखों का तो ध्यान रखो। मतलब टीवी कह रही है अगर हम ज्यादा देखेंगे तो हमारी आंखें भी खराब हो जाएंगी। अगर तुम मुझे बहुत ज्यादा और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आंखों की ज्योति कम हो जाएगी, है ना, ज्योति मतलब रोशनी, जो आंखों की रोशनी है वो ज्यादा टीवी देखने से कम हो जाएगी। सुनो परवेज, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत और भी है, तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो, है ना। टीवी खुद उस बच्चे से शिकायत कर रही है कि तुम लोग सिर्फ कार्टून ही क्यों देखते हो। मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि अनेक चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम हैं जो न केवल तुम्हें अनोखी जानकारियां प्रदान करेंगे बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टीवी पे कार्टून देखते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं, है ना, सॉन्ग वगैरह देख लेते हैं, लेकिन टीवी में बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी है जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। टीवी में हमें नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल देखने चाहिए, हिस्ट्री जैसा देखना चाहिए, डिस्कवरी जैसे चैनल देखने चाहिए, जिससे हमें दूसरी चीजों का भी ज्ञान हो, देश विदेश में क्या हो रहा है इसका भी ज्ञान हो, हमें न्यूज भी देखनी चाहिए, है ना। तो टीवी उस परवेज को समझा रही है।
इसलिए मित्र मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी दो ध्यान। कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। टीवी बहुत अच्छा इस चैप्टर में ज्ञान दे रही है। परवेज से बातें करते हुए परवेज को बता रही है कि टीवी देखना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा टीवी देखना गंदी बात है, बुरी बात है। ज्यादा टीवी देखने से हमारी आंखें भी कमजोर हो जाएगी, और अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें ज्ञानवर्धक चीजें उसमें देखनी चाहिए, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री का कोई चैनल है या न्यूज है, ये चीजें हमें देखनी चाहिए जिससे कि हमें दूसरी जानकारी भी मिलती रहे। तो बेटा मेरा भी आप सभी से यही कहना है, टीवी देखो लेकिन लिमिट में देखो। अगर हम कम टीवी देखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारी आंखों पे कोई जोर भी नहीं पड़ेगा, और हमें हमारे मम्मी पापा से डांट भी नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो आज हमारा चैप्टर यही एंड होता है। थैंक यू।